हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? और सेफ हसदो कैंप को प्रमोट करने के लिए, इतना ज़्यादा वायरल करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स दोस्तों। और आज मैं निकल पड़ा हूँ जतमई घटारानी के लिए और मैं अपने सर लोगों के साथ जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ऑसम ट्रिप है दोस्तों, आप भी मेरे साथ चलिए, बहुत मज़ा आने वाला है, साथ बने रहिए। ये हमारे राजशेखर सर हैं, पीछे विजय सिंह सर और अरुण डे सर हैं, ये मेरे ऑफिस सीनियर्स हैं और बहुत ही बेहतरीन लोग हैं दोस्तों, एक नंबर, मज़ा आ गया इनके साथ। और आप लोग बस बने रहिए मेरे व्लॉग में और आप देखेंगे। ये हमारे विजय सिंह सर हैं, जो कि विजय सिंह सर और राव शेखर सर दोनों शेफ, बहुत बढ़िया एक नंबर खाना बनाते हैं। और इन्होंने ब्रेकफास्ट लाया था और जो हम अभनपुर में अभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ से हम लोग तुरंत गाड़ी भगाते हुए पहुँच जाते हैं राजिम से हम जा रहे हैं आगे। ये राजिम का देखिए चौक है और यहाँ का रोड बहुत बेहतरीन है। कहीं कहीं पर बीच में आपको थोड़े बहुत गड्ढे मिलेंगे, एक जगह पे बाइक भी फंस गई थी। और ये देखिए बच्चों को लेके रखे हुए हैं, इसलिए देख के सावधानीपूर्वक चलाइए बाइक्स। और गरियाबंद की रोड बहुत औसम है दोस्तों, बीच में कहीं पर थोड़ा बहुत गड्ढे मिलेंगे। और हम लोग पहुँच गए हैं गरियाबंद बहुत ही शानदार तरीके से। आप देखेंगे जंगल शुरू, यानी कि जंगल गरियाबंद आ चुका है आपके सामने और रोड भी औसम है। और हम लोग नज़ारे देखते हुए पैरी नदी के ऊपर इस पुल पे आ गए हैं दोस्तों, जो बरसात में पानी बहुत रहता है, परंतु अभी थोड़ा कम था, मगर नज़ारा देखते ही बनता है। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही औसम है, बहुत ही मज़ेदार। कभी भी आप गरियाबंद जाएँ तो इस लोकेशन को पक्का विजिट करें। अब हमें जो रिजॉर्ट का उन्होंने मैप भेजा था दोस्तों, वो था जंगल के अंदर से, थोड़ा सा गांव के अंदर से, थोड़ा ऑफ रोडिंग। और ऑफ रोडिंग देखिए, ये हमारे डे साहब की गाड़ी है विटारा ब्रेजा, बहुत ही औसम है दोस्तों, एवरेज भी बहुत मज़ा आया और ये गाड़ी बहुत ही अच्छी लगी मेरे को। और आप भी कभी अगर लेने के अगर इच्छुक हैं तो मारुति में अगर आपको है इंटरेस्ट तो आप ले सकते हैं। और ये जो रोड मैप मैं आप लोगों को बताया, ये जंगल के अंदर से उन्होंने बताया। और ये हम पहुँच चुके हैं जतमई रिजॉर्ट, बहुत सुंदर, जो कि है तालेसर में। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले विजिट करते हैं और आप देखिए रिसॉर्ट देखते ही बनता है दोस्तों, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही पैसा वसूल हो जाएगा दोस्तों अगर आप यहाँ विजिट करते हैं तो। ये देखिए कितना बेहतरीन यहाँ डेकोरेशन है और यहाँ साफ़ सफाई। और सबसे बेहतरीन चीज़ है यहाँ का दोस्तों खाना इतना बेहतरीन है, इतना बेहतरीन कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। जतमई रिजॉर्ट अगर आपको आना है तो आप गूगल में सर्च मारेंगे, ये रिजॉर्ट में लोगों को इतना बेहतरीन लगा है कि यहाँ पर लोग दो दो बार आए हुए हैं। मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ की सुंदरता। ये हमारे रिजॉर्ट, हमारे रूम से यहाँ का लोकेशन है, यहाँ का व्यू है और रूम भी देखेंगे आप दोस्तों, देखिए औसम है। किंग साइज के दो बेड हैं दोस्तों, यहाँ पर तीन आदमी आराम से सो सकते हैं, दो बेड हैं। और साफ़ सफाई भी आप देखेंगे, हमारे सर लोग निरीक्षण करके आ चुके हैं। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, अगर आप लोगों को खाना बनाने के इच्छुक हैं तो ये किचन है, यहाँ पर लेटरिन बाथरूम भी है दोस्तों, बहुत ही साफ़ सुथरा हर एक चीज़। और मेरे व्लॉग में दोस्तों एकदम डाउन टू अर्थ हर एक चीज़ आपको पूरी तरह से मैं बताऊँगा। ये एक फैमिली आती है रायपुर से, नांदगांव से, जो कि पूरी कंबाइंड फैमिली है, करीब ये 20 लोग थे इस फैमिली में, श्रीवास्तव फैमिली है दोस्तों। और यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं थोड़ा जतमई घूमने के लिए। और ये थोड़ा ऑफ रोडिंग ट्रैक है क्योंकि ये रिजॉर्ट जंगल के बीच में है, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग अगर यहाँ विजिट करेंगे तो, एक बार पक्का विजिट करिए। और ऑटोमेटिक गाड़ी है ये दोस्तों, इसलिए राजशेखर सर ही चला रहे हैं, मैंने तो ट्राई नहीं किया। और यहाँ हम लोग जतमई के सामने आ गए हैं और ये देखिए हम लोग मस्ती भी कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। और सर लोग एकदम औसम हैं, बहुत बेहतरीन हैं। आप लोग जब भी जाएं ऐसे लोगों के साथ जाएं जिनकी मेंटलिटी आपके साथ मैच हो। और हमारे सर लोग मेरे से एज में थोड़े बड़े हैं, मगर मेंटलिटी और हम लोग का सोचने के तरीके सेम है। और हम लोग जतमई पहुँच चुके हैं दोस्तों, ये देखिए। और ये है एंट्रेंस, मैं आप लोग को जल्दी लेके चलता हूँ अंदर, हम लोग जल्दी घुस चुके हैं, ये देखिए। और जतमई बहुत ही फेमस है हमारे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि यहाँ का झरना बहुत औसम है दोस्तों। कभी भी आप अगर जतमई
और घटा रानी की बात करेंगे तो यहाँ सबसे सुंदर विजिट करने के लिए झरना बरसात में बहुत बेहतरीन है। अभी तो यहाँ पर पानी अभी उतना नहीं था, परंतु मैं आप लोगों को लोकेशन दिखा रहा हूँ, देखिए लोकेशन कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। यही है वो मंदिर जो कि यहाँ पर से सब लोग आते हैं, दूर दूर से इस मंदिर को देखने के लिए लोग आते हैं, और यहाँ से आप देखेंगे कि लोग की उनकी श्रद्धा भक्ति बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। हमारे छत्तीसगढ़ में वैसे भी डोंगरगढ़ हो गया या दंतेश्वरी माताओं के मंदिरों की बहुत ज़्यादा ही प्रचलन है दोस्तों। और ये देखिए कितना सुंदर मंदिर है, और यही मंदिर के बीच में आप कभी भी अगर वीडियो डालेंगे जतमई का तो इसके बीच से ही झरना गिरता है दोस्तों, और बहुत सुंदर लगता है, यहाँ से आता है झरना। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है मंदिर, बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। अगर आप कभी गए नहीं हैं या फिर गए हैं तो और एक बार जाइए दोस्तों, और जतमई रिजॉर्ट में पक्का रुकिए और जतमई यहाँ घूमने आइए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। और मेरे साथ साथ हमारे सर लोग भी, हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा किया दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं था, कोई भी तकलीफ नहीं हुई हम लोग को। हम लोग ने सोचा चलो और एक रिजॉर्ट देख लेते हैं, अब आए हैं इतने दूर तो हम लोग नेचर कैंप में चले गए। ये नेचर कैंप के डेकोरेशन है दोस्तों, ये एक गवर्नमेंट रिजॉर्ट है जिसे लीज पर लिया गया है, और यहाँ का प्राइस थोड़ा सा कॉस्टली है दोस्तों, मगर मुझे जो हम लोग जहाँ रुके हैं जतमई रिजॉर्ट वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और हम यहाँ पर एक ऐसे ही विजिट करने आ गए कि क्या रूम के चार्जेस एंड ऑल, तो ये देखेंगे। ये यहाँ का लोकेशन है, यहाँ एक फैमिली आई हुई थी दोस्तों, और यहाँ से हम लोग वापस निकलते हैं। और शाम हो चुका है और शाम ढल रही है, आप देख लीजिए। और जंगल की शाम दोस्तों आपको सुकून दिलाएगी जब आप यहाँ आएंगे तो, क्योंकि हमारी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से हमें थोड़ा सा वक्त अपने लिए, अपनी अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के साथ निकालना चाहिए दोस्तों। और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी एक्सपीरियंस करने आए जंगलों के बीच में, बहुत ही शांति के साथ सुकून में रहें। और ये हमारी शाम की चाय के लिए आ चुका है पूरा अरेंजमेंट, जिसको चाय पीना है चाय पिए, कॉफ़ी पीना है कॉफ़ी, दूध दे दिया है उन्होंने। और यहाँ पर अब डिनर का टाइम हो जाता है दोस्तों, और डिनर के लिए स्पेशली इन्होंने हम लोग को टेरेस में डिनर का अरेंजमेंट किया हुआ है। और जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचते हैं देखते हैं चांदनी रात है, और हम लोग टेबल डिसाइड करते हैं महुआ के पेड़ के नीचे दोस्तों, जो कि ये भी एक लाजवाब है। और इतनी बेहतरीन बेहतरीन दिन के बाद, इतना अच्छा ट्रिप के बाद आप देख रहे हैं हमारा डिनर का लोकेशन, और यहाँ पर आग जल रही है दोस्तों, और हम लोग आराम से सुकून के साथ ठंड में और ये टाइम को महसूस करते हुए मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा दोस्तों किस तरह से ठंड है। और बहुत ही मज़ेदार ये पल था दोस्तों, ये देखिए मैं आपको स्लोमो में दिखाऊंगा, बहुत मज़ा आया। और ये दो बंदे वहाँ पर काम करने वाले आदिवासी लड़के, और यहाँ पर एक फैमिली जो मैंने आपको सवेरे दिखाई थी, श्रीवास्तव फैमिली, इन्होंने कैरियोके में इनके परिवार वालों ने बहुत ही सुंदर गाना गाया दोस्तों, जो कि औसम था, बहुत बेहतरीन। मगर कॉपीराइट की वजह से मैं इनका गाना डाल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि कैरियोके में फिल्मी सॉन्ग्स लोग गाते हैं, और इसी कारणवश मैं श्रीवास्तव फैमिली से तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा कि मैं उनके बच्चों के गाने मैं डाल नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। मगर ये इतना बेहतरीन था इनका सिंगिंग, इतना सुंदर था दोस्तों कि मैं आपको क्या बताऊँ। और श्रीवास्तव फैमिली, अगर आप लोग देख रहे हैं मेरा व्लॉग तो प्लीज़ 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 कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और माफ़ करिए मैंने आपका गाना नहीं डाल पाया, मगर आप लोगों ने जो इन्जॉय किया है, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी व्यूवर्स हैं, वो देख के बहुत ही खुश होंगे दोस्तों। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे वीडियो लेने के लिए मुझे अनुमति दी, और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इतना बेहतरीन म्यूज़िक का फैमिली के साथ फिर हम लोग आ जाते हैं सुबह मॉर्निंग में, जो कि ये हमारे रिजॉर्ट के ऊपर का नज़ारा है दोस्तों दिन का, और बहुत ही सुंदर एटमॉस्फियर, बहुत ही फ्रेश एयर, और बहुत ही मज़ा आया। और ये डे साहब एनिमल लवर हैं, और देखिए ये कैट को लेके कैसे पकड़ लिए हैं, ये पर्शियन कैट है बोलते हैं ये, और बहुत ही सुंदर ये कैट्स थी। और यहाँ पर डे साहब उन्हीं के साथ बिज़ी थे, और मैं हमेशा की तरह वीडियो ले रहा हूँ दोस्तों,
और बिल्ली भी हमारे इर्द गिर्द घूम रही थी, इसलिए मैंने इसका वीडियो ले लिया। और ये आम बिल्लियों की तरह नहीं थी दोस्तों, ये देखिए कितनी सुंदर है। और ये आ गया है दोस्तों हमारा डोसा, जो कि औसम था, बहुत बेहतरीन। और हमने मंगाया है दोस्तों पराठे, जो कि टाइम लग रहा था, थोड़ा टाइम लगा दोस्तों, भूख भी बहुत लग रही थी। और आउटडोर में दोस्तों ऐसा खाना, ऐसा दिलचस्प खाना खाने के अलग ही मज़ा है दोस्तों। और ये देखिए पराठा आ गया है, पोहा आ गया है, डोसा, सब चीज़ औसम। और मैं ले रहा हूँ वीडियो धासू वाला दोस्तों। और यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे दोस्तों। और देखिए बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है दोस्तों, पूरे जंगलों के बीच से आपको जाना है। अगर आपने ऐसे कभी रोड ट्रिप नहीं की है तो करिए दोस्तों, और किए हुए हैं तो और करिए दोस्तों, क्योंकि कोविड के बाद आप भी जानते हैं समय का कोई भरोसा नहीं है। और ये देखिए हमारे छत्तीसगढ़ की खूबसूरती, जिसे मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ, सेव हसदो क्यों बोलता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कोरोना के बाद हमें पेड़ों की और ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता पड़ी है, वो आप लोग जान सकते हैं। और ये देखिए जंगलों के बीच से हमारा ट्रैक जा रहा है दोस्तों, कितना बेहतरीन है। हम लोग बहुत धीरे गए क्योंकि थोड़ा रोड उबड़ खाबड़ था, मगर मैंने इसे आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया दोस्तों। और ये आ गए हम लोग गरियाबंद में, और गरियाबंद में दोस्तों हम अपनी ज़रूरत की पूरी चीज़ें ले लेंगे। और दोस्तों क्योंकि राशन हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट जो विजिट प्लेस है वहाँ पर हम पार्टी करने वाले हैं। और ये देखिए दोस्तों इतनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ हैं गरियाबंद में, और ये गरियाबंद पूरी तरह से वन धन धान्य से परिपूर्ण है दोस्तों। इसलिए मैं हैश सब सेव हसदो, सेव जंगल, सेव एनिमल, इसलिए बोलता हूँ दोस्तों। और ये हम लोग नेशनल हाईवे 130C गरियाबंद में हैं दोस्तों, और यहाँ पर हमारे सर लोग का ही ये आइडिया था कि हम यहाँ पर रुक के मैरिनेट कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वो गरियाबंद से 50 किलोमीटर दूर में था दोस्तों, तो क्यों ना इस डिस्टेंस को हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और यहाँ हमने अपना मैरिनेशन का काम कर दिया है दोस्तों। और ये देखिए सिंह साहब लगे हुए हैं, सिंह साहब, डे साहब, तीनों शेफ़ है दोस्तों, बहुत बेहतरीन खाना बनाते हैं, आप देख सकते हैं। और मैं हमेशा की तरह वीडियो ले रहा हूँ दोस्तों, और नेशनल हाईवे नंबर 130C में, और आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। और ये देखिए जंगल, और जंगल में मंगल, आपने सुना होगा दोस्तों, तो ये मैं मंगल का मैं साक्षात गवाह हूँ दोस्तों। और यहाँ से हम निकल जाते हैं हमारे सेकेंड लोकेशन पे, जो कि है एक औसम जगह दोस्तों, जहाँ मैं आपको पहुँच के ही बताऊँगा। और हम लोग बढ़िया रेडी हो गए हैं सेकेंड लोकेशन के लिए, और देखिए कितना सुंदर मौसम है दोस्तों, कितना सुंदर माहौल है कार के अंदर का, आपको देख के ही लगेगा ही। यहाँ तक राव साहब भी पूरी गाड़ी ड्राइव किए हैं, थैंक यू राव साहब, बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हैं वो। और ये हम लोग तुरंत मैं आप लोगों को ले जाता हूँ सिकरसेठ डैम के सामने दोस्तों, और यहाँ स्टॉप कर देता हूँ गाड़ी। और ये देखिए सिकरसेठ डैम, हम लोग एकदम एक्साइटेड हो गए दोस्तों, हमने सोचा नहीं था कि ये इतना सुंदर होगा। और आप भी देखिए दोस्तों इतना बेहतरीन, ये इतना बेहतरीन था ये सिकरसेठ डैम। बीच में एक टापू भी है दोस्तों, बट हम लोग के पास टाइम की कमी थी और हमें खाना भी बनाना था, इसलिए हमने लोकेशन को चेंज किया। जहाँ पर सिकरसेठ डैम, जहाँ से पानी गिरता है, झरना बनता है, हम वहाँ जाएँगे। परंतु मैं आप लोगों को ये लोकेशन दिखाना चाहूँगा दोस्तों, किसी भी फिल्म शूटिंग के जो लोकेशन है उससे कम नहीं है दोस्तों। अगर आप यहाँ आए तो पक्का विजिट करें सिकरसेठ डैम। और ये जो पॉट्स लगे हुए हैं दोस्तों, ये मछली पालन के लिए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कितनी शांति है दोस्तों, बहुत ही औसम नज़ारा है ये, और कितना ब्लूइश पानी है आप देख सकते हैं दोस्तों। और आप कभी भी आएँ तो पक्का आएँ इस डैम पर। और हम आ गए हैं सिकरसेठ डैम के उस दीवार पर, जहाँ पर पानी को रोक के धीरे धीरे बहाया जाता है, और जब ज़रूरत के टाइम में यहाँ पर पानी को फ्लो किया जाता है दोस्तों। हमारे डे साहब की गाड़ी यहाँ आ चुकी है, और हमारा लंच, और बहुत बेहतरीन शेफ मिस्टर विजय सिंह सर और राव डे साहब और राव साहब के द्वारा बन रहा है, देख लीजिए। बटर में औसम चिकन यहाँ पक रहा है दोस्तों, मैरिनेशन देखिए और कितना बेहतरीन टेक्स्चर है। और हम लोग यहाँ पार्टी करते हुए, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। आप कभी यहाँ आए तो सिकरसेठ डैम आए, और ये सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है मेन सिकरसेठ डैम के बाजू से। और यहाँ पर देखिए सूप बन रहा है दोस्तों, जो कि
इतना बेहतरीन सूप था दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, इतना बेहतरीन एक फाइव स्टार होटल की तरह सूप था। सर ने उसमें चीज़ के स्लाइसेस डाल रहे थे। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये मैं जब लंच हमारा तैयार हो रहा था तब का वीडियो, और ये हमारा बिरयानी तैयार हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सिर्फ ये 45 मिनट्स में बन के तैयार हुआ है दोस्तों, सिर्फ 45 मिनट्स में। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये कच्चा है या अध पक्का है, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप देख सकते हैं, गार्निशिंग देख सकते हैं, टेक्सचर देख सकते हैं, खाने का बहुत बेहतरीन था दोस्तों। और यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी फैमिलियाँ भी आई थी दोस्तों, वो भी अपना एंजॉय कर रहे थे। और एक नंबर माहौल था, मौसम था, और बहुत ही शांत वातावरण दोस्तों। और सर लोगों के साथ मुझे बहुत मज़ा आ गया, एक नंबर सर लोग, बहुत धन्यवाद सर लोग, आप लोगों ने मुझे लेके गए। और मैं एक वीडियो ले रहा हूँ यहाँ पर, जो कि हमारे लंच का है ये वीडियो, जो कि सुकून भरा पल था। और यहाँ से हम लोग अपना ट्रिप कंप्लीट करके दोस्तों वापस हम लोग आ रहे हैं भिलाई के लिए। और ये है सिक्का से डैम का ऑफ रोडिंग थोड़ा सा, और यहाँ से हम लोग रिटर्निंग बैक हो रहे हैं दोस्तों। आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत ही अच्छा रहा ये ट्रिप, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जो आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब करते रहे, ऐसे लाइक करें, शेयर करें। और सेव हंसदो, सेव छत्तीसगढ़, सेव जंगल, सेव एनिमल्स, ये मुहिम को आगे बढ़ाते रहें दोस्तों। और ये देखिए, शाम का वक्त, बहुत ही सुहाना पल है ये, और हम लोग यहाँ से वापस लौट रहे हैं दोस्तों, बहुत ही औसम पल है। धन्यवाद।